Bismillahir Rahmanir Assalamu Alaikum students I am your database systems teacher Ali Batool Zadi with lecture number 34 Students today we will discuss about distributed database design and architecture of distributed database processing system Students first of all we will see what is distributed database design स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस डिज़ाइन आर नथिंग बट मल्टीपल लॉजिकली रिलेटेड डाटा बेस सिस्टम्स फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और साइट्स यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क विच इज़ यूजली अंडर अ सेंट्रलाइज्ड साइट कंट्रोल स्टूडेंट्स डाटा बेस को पढ़ने के बाद अब हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में पढ़ेंगे कि हम डेटा को डिफरेंट साइट्स पे किस तरह से एक्सेसिबल बना सकते हैं किस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस डिज़ाइन रेफर्स टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन आ डाटा बेस एंड इट्स वर्क लोड हाउ शुड द डाटा बेस बी स्प्लिट एंड एलोकेटेड टू साइड्स सो एज टू ऑप्टिमाइज सर्टन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस डाटा को हम किस तरह से डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे और किस तरह से उनकी जो डिफरेंट साइट्स होंगी उनको डाटा एलोकेट कैसे करेंगे दो मेन इश्यूज़ इसमें आएंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने में डेटाबेस को फर्स्ट वन डेटाबेस डाटा फ्रैगमेंटेशन एंड सेकेंड इज़ डाटा एलोकेशन तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का आर्किटेक्चर को देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर आर जनरली डिवेलप्ड डिपेंडिंग ऑन थ्री पैरामीटर्स वन इज डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड इज अटोनमी एंड थर्ड इज हैट्रोजेनिटी लेट सी द आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम स्टूडेंट्स हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में अपने डाटा को इस फॉर्मेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइक क्लाइंट सर्वर सेकेंड मल्टी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम थर्ड इज पीयर टू पे नेटवर्क हम अपने डेटाबेस के आर्किटेक्चर को इस फॉर्मेट में इन डिफरेंट मॉडल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्स्ट वन इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडेंट्स In client-server architecture, the architecture has been developed to deal with new computing environments in which a large number of computer workstations, file servers, printers, and other equipments are connected together via network. But the client-server architecture is increasingly being incorporated to the commercial database management system packages. Students two different client-server architectures single server and multiple server multiple clients the second is peer-to-peer -peer architecture for distributed database management system in these systems each pair acts both as a client and a server for imparting database service this जिस तरह हमने क्लाइंट सर्वर में देखा कि एक सर्वर है और डिफरेंट उसके क्लाइंट्स हैं सर्वर सर्व कर रहा था अपने क्लाइंट्स को बट यहाँ पे सर्वर हर दूसरा सिस्टम एक सर्वर की फॉर्म में काम करेगा मीन के हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है सो द पेयर्स शेयर देयर रिसोर्स विद अदर पेयर्स एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ इस तरह से तमाम सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एंड अपने रिसोर्स को भी शेयर करेंगे फोर लेवल्स ऑफ स्कीमास इस आर्किटेक्चर में हम देखेंगे ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा लोकल कॉन्सैपचुअल स्कीमा लोकल इंटरनल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हमने जैसे स्कीमा के बारे में ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़ा था ग्लोबल कॉन्सैपचुअल स्कीमा शो करता है ग्लोबल लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा को एंड लोकल कॉन्सेपच्चुअल स्कीमा डिपेक्ट्स लोकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन एट ईच साइट और लोकल इंटरनल स्कीमा स्टूडेंट्स शो करता है फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन को हर साइट पे और एक्सटर्नल आपको पता है कि वो व्यू स्कीमा होता है लास्ट पे यूजर्स व्यू इसमें नज़र आता है लाइक like, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए प्रिवियस एक जो हमने थ्री लेवल आर्किटेक्चर वाली डाइग्राम देखी थी स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने इसीलिए आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ कि हमारा आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल पे यूज़र का व्यू होता है हमारा लास्ट स्कीमा पड़ा हुआ है फिर उससे नीचे कॉन्सेपचुअल और उसके बाद फिर इंटरनल स्कीमा जो है इस तरह से ये पेयर टू पेयर के अंदर काम करते हैं स्टूडेंट मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर किस तरह से काम करेगा दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम फॉर्म्ड बाई आ कोलेक्शन ऑफ टू और मोर अटोनमस डाटा बेस सिस्टम मल्टी डाटा बेस सिस्टम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू सिक्स लेवल्स जैसे लास्ट में हमने अभी फोर लेवल्स पढ़े हैं तो हम इसमें सिक्स लेवल्स को देखेंगे वन मल्टी डाटा बेस व्यू लेवल सेकेंड मल्टी डाटा बेस कॉन्सैपचुअल लेवल मल्टी डाटा बेस इंटरनल लेवल लोकल डाटाबेस व्यू लेवल लोकल डाटा बेस कॉन्सैपचुअल लेवल एंड लोकल डाटा बेस इंटरनल लेवल बिल्कुल इसी तरह से इनको आ, बिल्कुल इनके नेम की के को देख के इनकी डिटेल को इनकी एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत आसान है मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल जो है वो शो करता है मल्टी यूज़र व्यू और कंप्राइज़िंग ऑफ सबसेट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल हमें शो करते हैं इंटीग्रेटेड मल्टी डेटाबेस नॉट मल्टीपल यूज़र यहाँ पे मल्टी डेटाबेस है तो मल्टी multi database and that comprises of global logical multi database structure definitions, multi database internal level will show data distribution across different sites and multi database to docker data mapping. फोर्थ वन लोकल डाटा बेस व्यू लेवल शोज़ पब्लिक व्यू ऑफ लोकल डेटा एंड लोकल डाटा बेस कंसेपचुअल व्यू हमें ऑर्गेनाइजेशन का व्यू देता है और जो इंटरनल लेवल है वो हमें फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा सो डिज़ाइन आर्किट अल्टरनेटिवस के अंदर हमारे पास चॉइसज़ हैं कि हम फोर टाइप्स की फाइव टाइप्स जो हैं वो डिज़ाइन की यूज़ कर सकते हैं नन रेप्लीकेटड एंड नन फ्रेगमेंटड पार्शली रेप्लीकेटड और फ्रेगमेंटड और मिक्स्ड फॉर्म जो है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं नन रेप्लीकेटेड फ्रेग और नन फ्रेगमेंटड जो आर्किटेक्चर uh, uh, है हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि जिसमें फ्रेगमेंटेशन्स नहीं हो रही स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रेगमेंटेशन होती क्या है Uh, data may be broken up into logical units called fragments, and these fragments are stored at different sites. Data fragmentation is the design process of deciding what the fragment will be. So, in this design alternative, uh, non replicated may जहाँ हम रेप्लीकेट नहीं कर रहे जहाँ हम थोड़ थोड़ा थोड़ा पोर्शन नहीं दे रहे यानी पीस में डिवाइड नहीं कर रहे डिफरेंट टेबल्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट साइड्स डाटा इज प्लेस्ड सो दैट इट इज़ एट अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द साइट वेयर इट इज़ यूज मोस्ट इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर डाटा बेस सिस्टम्स वेयर द परसेंटेज ऑफ क्यूरेज नीडिड टू जॉइन इंफॉर्मेशन इन टेबल्स प्लेस्ड एट डिफरेंट साइट्स इज़ लो

डेटा uh, की डिफरेंट कॉपीज जो हैं वो उठा के किसी और जगह पे रखने जा रहे हैं यानी अ कॉपी ऑफ ईच फ्रैगमेंट मे बी स्टोर्ड एट सेवरल साइट्स स्टूडेंट्स डेटा रेप्लीकेशन इज द डिजाइन प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच फ्रैगमेंट विल बी रेप्लीकेटेड सो इन दिस डिजाइन ऑल्टरनेटिव एट ईच साइट वन कॉपी ऑफ ऑल द डाटा बेस टेबल इज स्टोर्ड सिंस ईच साइट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ द एंटायर डाटा बेस हर एक के पास हर साइट के पास अपनी डाटा बेस की अपनी कॉपी है क्यूरीज आर वेरी फास्ट क्यों फास्ट हो जाएंगी इस वजह से कि अब उन्हें मेन सेंट्रल डाटा बेस के पास नहीं आना पड़ रहा हर साइट के पास अपनी डाटा बेस की कॉपी है तो क्यूरी वहीं जनरेट हो जाएगी सो ऑन द कॉन्ट्रेरी दैन मैसिव रिडेंडेंसी इन डाटा रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट ड्यूरिंग अपडेट ऑपरेशन हेंस दिस इज सुटेबल फॉर सिस्टम्स वेयर अलार्ज नंबर ऑफ क्यूरीज इज रिक्वायर टू बी हैंडल वियर एज द नंबर ऑफ डाटा बेस अपडेट इज स्लो पारशली अपडेटेड स्टूडेंट जैसे अभी हमने देखा फ्रेगमेंटड और जो है रेप्लीकेटड को तो अब आप, आप ये देखें रेप्लीकेट तो हो रहा है बट नॉट फुली पार्शली मीन के कहीं रेप्लीकेट है कहीं नहीं कहीं पे तो हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डेटाबेस के कुछ कुछ साइड्स पे रखेंगे और कुछ पे नहीं रखेंगे कॉपीज़ ऑफ टेबल्स और पोर्शन ऑफ टेबल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट साइड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेबल्स इज डन इन अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस जहां पर एक्सेस है आप वहां पर रेप्लीकेट करेंगे अदरवाइज नहीं दिस टेक्स इन टू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेसिंग द टेबल्स वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम साइड टू साइड द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द टेबल्स पोर्शंस डिपेंड ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली द एक्सेस क्यूरीज एक्जीक्यूट एंड द साइट विच जनरेट द एक्सेस क्यूरीज सो फ्रेगमेंटिड को हम देख लेते हैं कि फ्रेगमेंटेड डिजाइन जो है इन दिस डिजाइन अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पीसेस रेफर टू एज फ्रेगमेंट और पार्टीशन एंड ईच फ्रेगमेंट कैन बी स्टोर्ड अ डिफरेंट साइट जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था सो थ्री हैं वन वर्टिकल हॉरीजेंटल एंड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन तीन तरह की हाँ जो फ्रैगमेंटेशन होती हैं लास्ट हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक थी वो थी मिक्सड डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड एंड पार्शल रेप्लीकेशन मीन्स हम फ्रेगमेंटिड कहीं पर करते हैं कहीं पार्शल रेप्लीकेशन करते हैं द टेबल्स आर इनिशली फ्रेगमेंटेड इन एनी फॉर्म हॉजेंटल और वर्टिकल एंड देन दीज फ्रैगमेंट आर पार्शली रेप्लीकेटेड अक्रॉस द डिफरेंट साइट्स अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सेसिंग द फ्रेगमेंट्स क्लियर तो स्टूडेंट्स फ्रेगमेंट्स के बारे में जैसे आपको पहले भी बताया इसके थोड़े से एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज जो हैं फ्रेगमेंट्स के बारे में वो आप देखिएगा कि फ्रेगमेंट्स होते क्या हैं फ्रेगमेंट्स uh, जैसे भी बताया कि छोटे छोटे पार्ट्स पर हम साइट पर डाटा रखते हैं कहीं पर और उसको उसकी एक एक कॉपी जो है वो सेव करके रखते हैं इसके बहुत से मैं हमारे एडवांटेजेस भी हैं लाइक एफिशिएंसी हो जाती है एफिशिएंसी ऑफ द डेटाबेस सिस्टम शो हो रही है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हैं यहाँ पे यूज़ होती हैं तो फिर हमें डाटा हर वक्त अवेलेबल होता है या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जो है Uh, वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है जबकि डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो है स्टूडेंट्स उसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डिफरेंट साइड्स पे पड़े होते हैं तो एक्सेस करना जो है उसकी स्पीड स्लो हो सकती है और इसके अंदर क्योंकि रिकर्जिक फ्रेगमेंटेशन हो रही होती हैं तो इसमें फिर ये एक्सपेंसिव टेक्निक्स भी हो सकती हैं एंड बैकअप जो है उसका भी लॉस हो सकता है तो वर, हमारे पास हम देखते हैं कि फ्रैगमेंट जिसको भी हमने देखा है उसकी हम डिफरेंट जो थ्री टाइप्स हैं वर्टिकल हॉरीजेंटल जो है हम उसको देख लेते हैं कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम आ, अपने टेबल को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्टिकल में आपको पता है कि किसी एक टेबल की वर्टिकल में जस्ट कॉलम आएंगे फील्ड्स यानी कि आएंगे सो इन वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन द फील्ड्स और कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर ग्रोप्ड इनटू टू In order to maintain constructiveness, each fragment should contain the primary key fields of the table. Vertical fragmentations can be used to enforce privacy of data. For example, let us consider the university database keeps records of all registered students in a student table having the following schema: registration number, name, course, address, master fee, or marks. Now the fees details are maintained in the account section. In this case, the designer will fragment the database like this. Okay, next is vertical fragmentation. Just horizontal fragmentation. Ke under, हॉरिजेंटली uh, टेबल को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्रेगमेंट किया इसी तरह से इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हम अपने रिलेशन को वर्टिकल फ्रेगमेंटेड एरिया में सेंड करेंगे लाइक क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंड इसको फी एज सेलेक्ट रजिस्टर्ड नंबर फी फ्रॉम स्टूडेंट सो आप ये देखें कि हमने जस्ट एक रो को शो किया है सॉरी एक रो जो है वर्टिकल फॉर्म में हमने कॉलम्स यहाँ पे नहीं लिए हमने फील्ड्स यहाँ पे नहीं सिलेक्ट की बस हम इसको हम मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रिपल्स की फॉर्मेट में वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो हो रही है दिकंस्ट्रक्शन of vertical fragmentation is performed by using full outer join operation on fragments. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन को आप आ, इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो इन दोनों का मिक्सचर होती है मीन्स हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों चीज़ें हो रही होती हैं हॉरीजेंटल एंड वर्टिकल क्लियर तो इस तरह से हाइब्रिड uh, फ्रेगमेंटेशन जो है वो परफॉर्म करेगी जहाँ पे जिस टाइप का जो डाटा है वो शो होगा सॉरी एक्सेस होगा एक्सेसिबल है वहाँ पे इस तरह की हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन होती है स्टूडेंट्स हाइब्रिड जो फ्रेगमेंटेशन है हमारी हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाटा बेसिस बाई द वर्च्यू ऑफ विच द इंटरनल डिटेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर हिडन फ्रॉम द यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूटि डाटा बेस डिज़ाइनर जो है मे चूज़ टू टेबल्स रेप्लीकेट द फ्रेगमेंट्स एंड स्टोर दैम डिफरेंट साइड स्टूडेंट्स इसके जो थ्री डायमेंशनस हैं हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन की वो लोकल ट्रांसपेरेंसी फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी एंड रेप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी है तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन के अंदर आपने देखा कि हमने एक टेबल जो है उसको वर्टिकल फॉर्मेट में भी लिया एंड हॉरिजेंटल फॉर्मेट में भी लिया लाइक हमने उसकी रोज को भी लिया एंड हमने उसके कॉलम्स को भी लिया और ये हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिस जगह पे ये सूटेबल होती है जिस एरिया में जिस साइड पे Uh, उस साइट पे हम इसको एक्सेसिबल बनाते हैं हाइब्रिड uh, फ्रेगमेंटेशन की क्यूरी इस तरह से जनरेट होती है लाइक इस्टरिक सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय नेम वेयर एम्प्लॉई अंडरस्कोर स्कोर एज लेस दैन फोर्टी मीन्स हमने एक ये क्यूरी जनरेट की और दूसरी क्यूरी फिर हमने uh, एक और जनरेट की लाइक like हमने एक uh, वर्टिकल हॉरीजें uh, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की क्यूरी जनरेट की और दूसरी हमने हॉरीजेंटल फ्रेगमेंटेशन की क्यूरी जनरेट की बट जो हमारी हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन है वो आप देखें कि यूनियन या फुल आउटर जॉइन के थ्रू जो है वो काम करेगी मीन इन दोनों के मिक्सचर को हम हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कहेंगे तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है बिकॉज हमने आज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा मैनेजमेंट uh, सिस्टम को देखा हमने देखा कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इसके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को देखा कि इसमें आर्किटेक्चर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं लाइक पेयर टू पेयर काम कर रहा है क्लाइंट सर्वर काम कर रहा है या मिक्सड काम कर रहे हैं उसमें फिर हमने इसकी दो प्रॉब्लम्स को देखा कि फ्रेगमेंटेशन और एलोकेशन इसकी दो मेजर प्रॉब्लम्स थी और हमने फ्रेगमेंटेशन में फर्दर इसकी डिफरेंट दो तीन टाइप्स को हरीजेंटल एंड वर्टिकल एंड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन को देखा आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा थैंक यू अल्लाह हाफिज